प्यारे साथियों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी जो नेपा की भर्ती है वो होनी थी 21 नवंबर को, लेकिन पोस्टपोन्ड होकर उसको 18 जनवरी कर दिया था, लेकिन अभी उसको दोबारा से 18 दिसंबर को ये भर्ती होनी है। अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हो, दिल्ली साइड से जा रहे हो, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूँ कि अगर नए जाओ तो ही बेहतर है, क्योंकि 10 वैकेंसियाँ हैं और पिछली भर्ती का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। देखिए मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको समझा देता हूँ। यह नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी नेपा की भर्ती का नोटिफिकेशन है। इसका जो पहले फिजिकल होना था ये पिछले महीने होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इस भर्ती को बार बार पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, लेकिन अब इसका जो दिया है नोटिफिकेशन उसके अंदर दिया है कि 18 जनवरी को इसका फिजिकल होना था। उसको पहले इसका था 21 नवंबर को इसका फिजिकल होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन करके कर दिया था 18 जनवरी 2024 को, लेकिन उसको अभी दोबारा हेल्ड कर दिया है 18 दिसंबर को अब इसका फिजिकल होगा। ये भर्ती है नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी जिसको नेपा बोला जाता है। इसके अंदर टोटल 10 वैकेंसियाँ हैं, ऑल इंडिया बेस पर यह भर्ती है। आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इस भर्ती के अंदर जा सकते हो। इसके लिए देखिए ये फार्म है, ये फार्म आपको लेके जाना पड़ेगा साथ में भर के। अगर आप इसको नहीं लेके जाते तो वहाँ जाके भी आपको मिल जाएगा ये फार्म, वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इसका पहले कोई फार्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्म कैसे भरना है देखिए, ये हमने एक फार्म भरा हुआ भी दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फौजी मोटिवेशनल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यह है इसका फार्म। देखिए पहले आपने अपना फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा कौन सी पोस्ट है, फिर अपना नाम, अपने फादर का नाम और यहाँ आप इंडियन, उसके बाद आप मेल हो फीमेल हो ये लिख देना, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस जो पत्राचार का एड्रेस है वो, और यहाँ क्वालिफिकेशन लिख देना कौन सी 10वीं 12वीं क्या हो, फिर यहाँ सिग्नेचर और यहाँ अपना डेट डाल देना है जिस डेट को आप ये फार्म फिलअप कर रहे हो। तो आपको जाना कहाँ, देखिए आप अगर दिल्ली साइड से जा रहे हो तो आपको गुवाहाटी में उतरना पड़ेगा, और उसके बाद है उसमाव, ये नेपा कैंप है उसमाव में शिलोंग के पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई कैंप वगैरह नहीं है, कोई होटल नहीं है, तो आपको दिल्ली से गुवाहाटी जाना पड़ेगा और गुवाहाटी से आपको जाना पड़ेगा शिलोंग नाइट हाल्ट के लिए। वहाँ गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में आप रुक जाना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल्ली से आप रात नाइट हाल्ट आपका होगा गुरुद्वारे में। गुवाहाटी से 60-70 किलोमीटर दूर है शिलोंग, वहाँ से किराया है 500 रुपये, टाटा सुमो वगैरह में आप जा सकते हो। रात को आप गुरुद्वारे में नेपा में रुक जाना, नेपा के अंदर कोई जगह नहीं तो शिलोंग में आपको रुकना पड़ेगा। शिलोंग से उसमाव 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आप 18 दिसंबर को नेपा कैंप के लिए 10 बजे तक चले आना, क्योंकि 10 बजे तक आप आओगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन दिखा दिया था हमने, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं 16 तारीख को एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूंगा, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाना जो भी दिल्ली साइड से लड़के जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फिर वहीं इकट्ठे रहने में सुविधा रहेगी। लेकिन वहाँ पर बहुत कम बंदे जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन है, इस साइड वाले लड़कों को परेशान करते हैं, वहाँ कोई इतना सुविधा भी नहीं मिलता। अगर आप आर्मी कैंप के पास में रुकते हो तो वो आर्मी वाले ही बोलते हैं कि भैया अपने बंदोबस्त पे रहो, हमारी कोई जिम्मेवारी है, वो रोक तो लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा यही, आप गुवाहाटी से जाते हो तो आप सीधे शिलोंग में चले जाना, लेकिन मैं तो बोलूँगा यार 10 वैकेंसी हैं ऑल इंडिया बेस पे, नहीं जाओ तो अच्छा है, क्योंकि 2022 में जो भर्ती हुई थी उसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि नेपा के पास एक लड़का है उसका घर है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू इससे कॉन्टैक्ट हुआ, वो बताता रहता है इस भर्ती के बारे में, तो उसी ने ये सब हमारे को बताया था। तो अगर आप नए जाओ तो मैं तो यही बोलूँगा, लेकिन अगर जाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट में रहना, मेरे से जितना आप लोगों का हेल्प होगा मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हो तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल है फौजी मोटिवेशनल, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी जितनी भी जानकारी मिलती है, जो नेपा एकेडमी है नॉर्थ पुलिस डिफेंस एकेडमी, उसके बगल में एक लड़का है सौरभ, उसका मकान है, तो वो हमारे को जानकारी देता है। उसी ने बताया है कि सर मेरा क्लियर हो रखा है फिजिकल वगैरह, लेकिन एक साल होगा कोई लिस्ट नहीं लगी है। और जो आप दिल्ली साइड से जो भी लड़के आते हैं वो गुरुद्वारे में जा कर रुकेंगे, यहाँ नेपा एकेडमी के पास कोई रुकने की जगह नहीं है। तो दोस्तों आप जाते हो तो ऑन बंदोबस्त जाना, आपकी अपनी खुद की जिम्मेवारी है।